जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था तब से लेकर अभी तक लोगों के बीच में ये भ्रम फैला हुआ था कि आठवां पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सेवन्थ पे कमीशन में ये रिकमेंड किया गया था कि अब आठवां पे कमीशन ना आए, उसकी जगह पर एक्रॉयड फॉर्मूला के हिसाब से सालाना लोगों के महंगाई के हिसाब से उनके वेतन और पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन अब आठवें पे कमीशन का रास्ता बिल्कुल एकदम साफ हो गया है, क्योंकि आठवां वेतन आयोग आएगा, आठवां वेतन आयोग का गठन होगा, इसका रास्ता साफ हो गया है। इसका मतलब ये हुआ, और ये जो आदेश आया है दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जवान, पेंशन भोगी हैं, सभी को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, आठवें वेतन आयोग का गठन होगा, ये अब स्पष्ट हो गया है। कहाँ स्पष्ट हुआ, कैसे स्पष्ट हुआ, क्या है इसका अथॉरिटी, वो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये देखें इस लेटर के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पर ये है लेटर, भारत सरकार वित्त मंत्रालय एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट यानी व्यय विभाग राज्यसभा के अंदर लिखित प्रश्न संख्या 1807 में ये जवाब दिया गया है। और ये जो जवाब आया है ये है 2 अगस्त 2022 यानी कि इसी महीने का, यानी ये अभी हाल ताजी जवाब आया है। देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों, पेंशन की समीक्षा, इस संबंध में ये सवाल पूछा था श्री नारायण भाई जे राठवा जी ने। और उन्होंने क्या पूछा था कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th CPC का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। जैसा कि ये न्यूज़ों में आता रहता था कि अब आठवां पे कमीशन नहीं आएगा, पे और पेंशन की जो बढ़ोतरी होगी वो एक्रॉयड फॉर्मूला के हिसाब से होगी, उस संदर्भ में इसलिए यह सवाल पूछा। और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं, क्यों नहीं आएगा, इस तरह का सवाल पूछा। और उन्होंने जानना चाहा क्या यह भी सच है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय उनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए। ये भी जानना चाहा कि क्या इस तरह की कोई सिफारिश थी सातवें वेतन आयोग में, और यदि हाँ तो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को अभी तक लागू नहीं करने का क्या कारण है। देखिए दोस्तों, उत्तर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी की तरफ से आया, और उन्होंने क्या कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन के संदर्भ में उन्होंने कहा सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा। दूसरा, उन्होंने बताया सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेसित करते हुए, यानी कि जो सेवन्थ पे कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने दी थी उसके पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की परीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए, इससे एक्रॉयड फॉर्मूला के आधार पर, यानी कि उसका एक्रॉयड फॉर्मूला था उसके आधार पर उसकी समीक्षा की जाए और जो महंगाई चल रही है उसके हिसाब से उनको साल दर साल उनकी पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी की जाए, इस तरह की सिफारिश की गई थी। लेकिन सरकार ने उस सिफारिश को माना नहीं, आठवें वेतन आयोग का गठन होगा, ये स्पष्ट हो गया है। और ये जवाब राज्यसभा के अंदर रिटर्न में दिया गया है भारत सरकार के राज्य मंत्री जी द्वारा। और इसी तरह की आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।